Welcome to the class of Principles of Commerce, and today I would like to discuss with you. This is your chapter, a joint stock company. This is your chapter 5. So in this today's chapter, we have to consider the concept. क्योंकि इससे पहले हमने बेटा sole proprietor को go through किया है, partnership को go through किया है. As the name of the chapter, it shows you joint stock company. Joint का मतलब होता है मिलके कोई काम करना. Stock means your merchandise, your cash, your all asset. So joint stock means कोई company form करने के लिए जितने भी investors हैं, वो अपने stock को, अपनी merchandise को, अपने cash को और अपने assets को joint कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ताकि उनकी एक कंपनी फॉर्म हो सके. वी हैव डिस्कस्ड विथ यू इन द फर्दर लेक्चर के सोल प्रोप्राइटर क्योंकि वन मैन शो होता है और उसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जो कि उसके अपने पैसे होते हैं, बस वही सारे होते हैं. देन वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन द पार्टनरशिप कि हमारे पास 2 to 20 पार्टनर्स होते हैं. पार्टनरशिप बैंकिंग सेक्टर में 10 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी भी एक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर. लेकिन अब पार्टनरशिप से ज़्यादा भी अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और बहुत सारे 20 से अबव पार्टनर्स अगर बिजनेस को प्लान करें अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली, तो फिर वो 20 से जो प्लस हो जाते हैं वो हमारे पास कंपनी फॉर्म हो जाती है. ठीक है, सो टुडेज चैप्टर इज रिलेटेड टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी. देन वी हैव नंबर 1, डिफाइन द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड आल्सो डिस्कस इट्स करैक्टरिस्टिक्स. योर फर्स्ट डेफिनेशन इज अ कंपनी मे बी डिफाइंड एज एनी बिजनेस दैट इशू शेयर्स द लाइबिलिटी ऑफ विच इज लिमिटेड. शेयर्स कहते हैं एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि पीस ऑफ पेपर होता है और उसको उसकी कुछ अमाउंट लिखी हुई होती है कि वो जो शेयर है, वो जो एक हिस्सा है, वो हिस्सा 5,000 का है या 50,000 का है. सो बेसिकली कंपनी में क्या होता है, हर पार्टनर के पास अपना एक शेयर होता है जिसपे उसकी एक इन्वेस्टेड अमाउंट होती है. समटाइम वो कंपनी क्या करती है, ज़्यादातर लोगों को अपने वो शेयर सोल्ड आउट भी करती है. अपने वो नेम ऑफ द कंपनी उसे प्रिंटेड होता है, उस पर उस शेयर्स की अमाउंट होती है लाइक 1,000 or 2,000. सो जो जनरल पब्लिक है वो उन शेयर्स को परचेज करती है और फिर वो इस स्पेसिफिक कंपनी के एक सब्सक्राइबर से बन जाते हैं. ठीक है, शेयर होल्डर्स बन जाते हैं. Clear? Then we have some joint stock company characteristics. Now come towards the main characteristics of the joint stock company. Joint stock company को हम J, S और C भी कहते हैं. J, S, C, that is stands for joint stock company. ठीक है, इसको abbreviate करते हैं J, S, C से, that is your joint stock company. Again आप लोगों के साथ concept go through करते हैं. Joint stock company, all the current or existing partners whose values is more than 20 person, they form their company by having their investment and having their assets. ठीक है बेटे, the corporate form, corporate कहते हैं combined, again coordination, corporation से हमने corporate form of business that following chief characteristics which are which the other firms do not enjoy. हमारे पास other firms enjoy नहीं करती, ये other forms of the business organization. Number 1, we have separate management. In this corporation ownership, the separate from the management. Shareholders do not take part in the affairs of the business. Main point क्या है, जितने भी shareholders होते हैं वो business में interruption नहीं करते. जो कि मैंने आपको बताया shareholders general public भी होती है. General public हमारे shares खरीद सकती है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि जो business के decision making है उसमें वो अपना यानी हमें decisions देने लग जाएं या बताएं कि हमें business में ये actions लेने हैं और ये actions नहीं लेने. देन हम अपने इलेक्ट करते हैं एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अमंग देमसेल्स. जो भी जितने भी हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स और दी फॉर्म होते हैं, उसमें से हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक पूरी टीम प्लान करते हैं. Who runs the corporation? Who runs the business? यहाँ पे हम कंपनी के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कॉरपोरेशन का. Who runs the corporation with the help of hired, specialized and skilled personnel? हमारे पास hired, हम specialized और skilled लोगों को hire करते हैं, क्योंकि हम जब एक कंपनी फॉर्म करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज हमारे पास 35 और 40
कि पर्सन हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब वो लोग इतने सारे लोग मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका मेन टारगेट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, जिसको मैं फ्रूटफुल प्रॉफिट कहती हूँ। एक तो सिंपल प्रॉफिट होता है सिर्फ फायदा होना, और एक होता है फायदे से भी ज्यादा प्रॉफिट होना। तो जो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता है वो हमारी कंपनी की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास अगर 10 रुपए की चीज है तो हम उसको 30 रुपए की या 40 रुपए की बेचते हैं, मतलब मोर देन डबल द प्राइस। तो जिसको हम लोग समटाइम कोई भी मार्केट में जाएं, आपको कोई ड्रेस कभी 6,000 का नज़र आता है, कुछ दिनों बाद 6 महीने या 8 महीने बाद वो 50% पे आपको मिलता है। 50% की सेल पे जितनी भी पब्लिक है वो खुश होती है और स्पेसिफिक कमोडिटी को ख़रीद लेती है कि 50% पे अवेलेबल है। हमारी कंपनी को उस 50% पे भी सेल करने पर प्रॉफिट जनरेट होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट जो उस कमोडिटी की थी, जो पहले 6,000 थी, 50% पे वो 3,000 हो गई, ठीक है, जिसपे भी कंपनी को प्रॉफिट है। इसका मतलब उसकी कॉस्ट 3,000 से भी कम थी। इस सिंपल इन सिंपल वर्ड्स के, अगर किसी कमोडिटी की कॉस्ट जो है वो 2,000 है और अगर आप उसको 6,000 टू द कस्टमर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपके पास फ्रूटफुल प्रॉफिट है, ठीक है, मैंने मोर देन द फ्रूटफुल। जो कि हम लोग यूजली जितने भी ब्रांड ओरिएंटेड चीज़ें देखते हैं उसमें हमारे पास कंपनीज को इतना ही प्रॉफिट होता है। अगर आप लॉजिकली देखें, नेम ऑफ द कंपनी की बात करें, द नेम ऑफ द कंपनी इज फॉलोड बाय द वर्ड लिमिटेड। जितने भी आप लोगों को कंपनीज के नाम नज़र आते हैं जिनके साथ LTD लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म है, L कैपिटल L एंड TD LTD लिखा हुआ नज़र आता है, वो सारे वर्ड्स यानी वो सारी कंपनीज जो हैं बेटे वो लिमिटेड होती हैं, विच बिकम्स इट्स पार्ट। द वर्ड लिमिटेड डिनोट क्या करता है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। या आप लोगों को अक्सर MCQs में ऑप्शन में ये आता है द वर्ड लिमिटेड मीन्स, और फिर आपके ऑप्शन डिफरेंट होते हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है। द वर्ड लिमिटेड मीन्स लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, इसलिए हम कॉरपोरेशन को लिमिटेड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं टू देयर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, हर किसी की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हेडिंग है बेटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। Every company must have board of directors. हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। These directors are representative. Directors क्या होते हैं? Basically representative होते हैं। जैसे आप लोग की क्लास में टीचर मॉनिटर्स या CR बना देती हैं तो वो क्लास के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं या आप लोग के कोई भी मैटर्स होते हैं मसले मसाइल, वो टीचर तक और कॉलेज की मैनेजमेंट तक वो CR कोऑर्डिनेट करता है। इट मींस ये जो डायरेक्टर्स हैं ये क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जितने भी शेयर होल्डर्स की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं या उनको कोई भी रीजनिंग चाहिए होती है तो रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्टेक्ट किया जाता है। एंड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स में से इलेक्ट होते हैं। देन वी हैव दिस बोर्ड रन, दिस बोर्ड रन्स द होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये बोर्ड क्या करता है, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनका क्या काम होता है, इनकी वर्क परफॉर्मेंस क्या है, इनका फंक्शन क्या है। दिस बोर्ड रन्स द होल अफेयर्स, अफेयर्स मीन्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स ऑफ द कंपनी, कि इंटरनली बिजनेस को क्या प्रॉब्लम्स हैं और एक्सटर्नली बिजनेस को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मेंबर्स सॉरी अफेयर्स को प्रॉब्लम्स को ये लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर चार्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा बाउंडिंग्स, रोकना। चार्टर्ड रजिस्ट्रेशन मीन द कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स नेम। चार्टर्ड का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है रोकना, कि वंस योर नेम ऑफ द कंपनी इज प्लान्ड द कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स नेम, हेड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं आपके मकसद को, के जो मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। जब सारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जितने भी आपके पास शेयर होल्डर्स हैं, उन सब के पैसे जब एक जगह जमा हो जाते हैं वो हमारा ऑथराइज कैपिटल होता है। ऑथराइज का मतलब जिसके हम मालिक होते हैं। एंड लाइबिलिटी विच हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, और वो लाइबिलिटी जो कि हम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी होगी, विच हैव ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने उसका नेम, हेड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव, ऑथराइज कैपिटल एंड लाइबिलिटी
जो कि आपने रजिस्टर्ड करा दिए कि किसको रजिस्टर कराएंगे, टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी को, तो फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं. बिफोर द कंपनी बॉन्ड्स एनी चेंज इन देम ही मस्ट गेट अ प्रायर. अगर वो चेंज करना चाहती है अपना हेड ऑफिस या अपना नाम, अपने ऑब्जेक्टिव्स को या ऑथराइज कैपिटल को या फिर अपनी लाइबिलिटीज को, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड सिविल कोड एंड गवर्नमेंट. उसको परमिशन कहाँ से रिक्वायर होगी? प्रायर परमिशन का मतलब होता है पहले परमिशन लेंगे और फिर कोई चेंजिंग कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड प्रायर परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, फ्रॉम सिविल कोड एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. देन वी हैव एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है बेटे? जिसमें आपकी इनकम के, बिजनेस की इनकम क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या हैं, उसके एसेट लायबिलिटी और कैपिटल क्या हैं. हमारे पास फाइव नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं. ए ई एल सी आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ए ई एल सी आर की स्टेटमेंट बनती है, जिसमें से हमारे पास पहली स्टेटमेंट होती है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को डील करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप बैलेंस शीट भी कहते हैं. एंड दिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट बेस करती है एसेट लायबिलिटी और कैपिटल पे. ठीक है, एवरी कंपनी मस्ट सबमिट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हर कंपनी को सबमिट कराना होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसमें उसके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल मेंशन होते हैं. यानी ए ई एल सी आर फाइव नेचर ऑफ अकाउंट्स मेंशन होते हैं. That is the registrar of the company. और उसको वो किसके सामने present होना होगा? To the registrar of the company, जिसके पास से company registered होती है. ठीक है, तो वो company की तमाम assets, liabilities को और nature of accounts को go through करेंगे. Then we have compulsory registration. Why we need the registration for this company? Why it is compulsory? The corporation cannot come into existence unless it is registered under the company ordinance 104. ठीक है, 1984, you can check it, the company ordinance number. I will recheck it and then let you know. मुझे इसका air 1984 लग रहा है. I think my typing mistake है. After it is registered, it is issued a certificate known as commencement certificate. हमारे पास जैसे ही एक company established होती है, तमाम लोगों की investment हो जाती है. उस investment की जो हमारे पास amount होती है, एक certificate issue होता है कि now आपकी company registered हो गई है. तो जब हमारी कंपनी फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होती है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं. कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग, कमेंस अ बिजनेस, इट मींस स्टार्टिंग अ बिजनेस. दिस सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्राइवेट कंपनी. ये जो सर्टिफिकेट है ये रिक्वायर्ड प्राइवेट कंपनीज को नहीं होता. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्राइवेट कंपनी. ओके, नाउ प्लीज वेट फॉर अ वाइल. Entry that is your heading limited liability. Another important characteristics of the company which makes this quite different from the other form, it is limited liability. अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी. ठीक है, तो इसलिए हम इसके साथ एलटीडी का वर्ड यूज करते हैं. द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी उनकी अमाउंट ऑफ लायबिलिटी भी होगी. मतलब अगर आप फर्म में 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी वैसी होगी. अगर आप फर्म में 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं या सॉरी 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी उसी पे वेरिएशंस में आएगी. देन वी हैव पब्लिक सब्सक्रिप्शंस. द पब्लिक द कंपनी और द पब्लिक कंपनी ओनली शुड ऑफर इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. ठीक है, हमारे पास जब भी पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात आती है, पब्लिक का मतलब होता है आम लोग, हम सब. ठीक है, वी ऑल आर बिलोंग्स टू द पब्लिक. सब्सक्रिप्शन मीन्स जैसे आप लोग अपने अक्सर कंपनीज में या हम लोग इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे लॉग इन होते हैं तो उसकी सब्सक्राइब्ड होते हैं, उसमें रजिस्टर्ड होते हैं, अपने ईमेल एड्रेस, अपने नेम और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करते हैं. तो जब आपको सब्सक्राइब्ड होना होता है, किसी का मेंबर बनना होता है, तो हम वहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म लेते हैं. और क्योंकि हम सब भी जनरल पब्लिक होते हैं, सब्सक्रिप्शन का मेंबर मतलब होता है टू बिकम द मेंबर ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी. ठीक है, the company and the public company should offer its share to the general public
फॉर द सब्सक्रिप्शन टू रेज फंड. अच्छा, जनरल पब्लिक को हम अपने फंड्स क्यों दे रहे हैं, उसके रीजन क्या है? हम अपने ज्यादा से ज्यादा फंड्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं और इसीलिए हम जनरल पब्लिक को कहते हैं कि ये हमारे जो शेयर्स हैं ये आप सब भी परचेज कर सकते हैं. ठीक है, अब वो शेयर्स 1000 के भी हो सकते हैं, 10,000 के भी हो सकते हैं. तो जो जनरल पब्लिक है, जैसे हम सब जैसे लोग हैं और हमें फिलिप्स कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो फिलिप्स कंपनी का अगर मुझे पार्ट बनना है तो उसका कोई 5000 वाला शेयर या 10,000 वाला शेयर्स मैं परचेज कर लूंगी और मैं उसके पब्लिक सब्सक्रिप्शन में कहलाऊंगी. ठीक है, then we have large scale. The company is of large scale in capital and manpower. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी ज्यादा होते हैं और उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा ही होती है. If needed, the capital can be enhanced by floating new stock on the stock exchange. ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसके कैपिटल को और अपने स्टॉक को और ज्यादा फ्लोट भी कर सकते हैं. ठीक है, मतलब और ज्यादा एक्सपेंस भी कर सकते हैं. नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, then we have sorry number of shareholders. If it another significant characteristics is that in the company the number of owners is the greatest of all forms of ownership, especially the sole proprietor, partnership and private company. ठीक है, हमने कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिग्निफिकेंट कहते हैं इंपॉर्टेंट को. ठीक है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट कंपनी इज द नंबर ऑफ ओनर्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स. सबसे ज्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ ओनर्स यानी हर कोई जो है वो ओनर बना हुआ होता है क्योंकि उसने अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करी होती है. अच्छा जी, एक बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ. यहाँ आपने मेरे साथ पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है आप वही करेक्टरिस्टिक्स इसकी एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं. सिर्फ हेडिंग्स आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा. हमारे पास, मैं वंस अगेन रिवाइज कर दूं, करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग्स, नंबर 1 है सेपरेट मैनेजमेंट, नंबर 2 नेम ऑफ द कंपनी, नंबर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 4 चार्टर रजिस्ट्रेशंस चार्टर रिस्ट्रिक्शंस, देन नंबर 5 वी हैव एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 6 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, नंबर 7 लिमिटेड लायबिलिटी, नंबर 8 पब्लिक सब्सक्रिप्शन, नंबर 9 लार्ज साइज एंड नंबर 10 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. क्लियर, देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जो कि एडवांटेजेस की सिर्फ हेडिंग्स में आपको डिफरेंस लगेगा, अदरवाइज जो इसका कॉन्टेंट है, जो भी मैंने आप लोगों को सब एक्सप्लेन किया है, वो आप लोगों की सिमिलैरिटीज लगेंगी. जिस तरह की लिमिटेड लाइबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी क्योंकि उसने लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्ट करी है. तो ये पॉइंट आपका सेम ही रहेगा बिकॉज करेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस हैव द सिमिलैरिटीज. लार्ज साइज भी आपको सेम नजर आएगा क्योंकि जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी. ईज ऑफ एक्सपेंशन, द मोर शेयर होल्डर्स द मोर इजिएस्ट वे ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि हमें इसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना होता है. ठीक है, बट द कंपनी हैज एन अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड इट्स कैपिटल एंड ऑपरेशन. हमारे पास, कंपनी के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, हर किसी की डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, उन सबको ये लोग यूटिलाइज करते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं. ठीक है, इट कैन रेज एनी अमाउंट ऑफ फंड्स. जैसे अभी हम फूड फॉर प्रॉफिट की बात कर रहे थे, विच शेयर होल्डर्स आर विलिंग टू इन्वेस्ट, क्योंकि शेयर होल्डर जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतने ही प्रॉफिट और फंड जनरेट होगा. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अभी जैसे मैंने आपसे स्किल्ड और क्वालिफाइड पर्सनल की बात करी थी, जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो वो स्किल्ड एंड क्वालिफाइड पर्सनल हमारी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट में. हेडिंग्स में डिफरेंस आएगा, इंटरनल मैटर आपका सेम है. लॉन्ग लाइफ, हमारे पास कंपनी की लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन होता है. जब भी वो एक्सपायर हो जाएगा या वो अपनी कंपनी रन नहीं करना चाहेगा, उसकी कंपनी बंद हो जाएगी. पार्टनरशिप में हो सकता है कि 4, 5 या 10 लोगों की पार्टनरशिप हो, कोई भी अनसर्टेनिटीज आए तो पार्टनरशिप भी खत्म हो सकती है. लेकिन कंपनी में क्या होता है कि जिस शेयर होल्डर को कंपनी लीव करनी होती है वो अपना स्पेसिफिक पार्ट लेता है और फिर उसको कंपनी से रिमूव कर दिया जाता है. द कंपनी हैज अनलिमिटेड लाइफ, इट कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड. लिक्विडिफाइड का मतलब होता है डिसोल्यूट. कल आप भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था डिसोल्यूशन, तो उसका जो सिनोनिम है वो है लिक्विडिफाइड.
इट कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड, मतलब डिसोल्यूट, इट कैन नॉट बी डिसोल्यूट बाय जो कंपनी है वो किसी भी नए पार्टनर के आने से, रिटायर होने से, इंसैनिटी मतलब कि उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब होने से, उसके बैंकरप्ट होने से या डेथ ऑफ अ पार्टनर से, ये ख़त्म नहीं होती। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव डिसएडवांटेज। आज मैं आप लोगों के साथ डिसएडवांटेज को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं दोबारा एक दफ़ा एडवांटेजेस की हेडिंग्स आपके साथ गो थ्रू करती हूँ। एडवांटेजेस की हेडिंग्स सेम हैं जो आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में गो थ्रू करी हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी मेरे पास 10 हैं, सेपरेट मैनेजमेंट, नेम ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चार्टर्ड रिस्ट्रिक्शंस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, लार्ज साइज एंड नेम ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ गो थ्रू करूंगी बेटा एडवांटेजेस, वही हेडिंग्स होंगी, लिमिटेड लाइबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लार्ज साइज, ईज ऑफ एक्सपेंशन, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों में से अगर कोई करेक्टरिस्टिक्स के अंदर एडवांटेजेस की हेडिंग्स लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक है। और अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स पूछ रही हूँ तो आप एडवांटेजेस की हेडिंग्स उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी हेडिंग्स को आप कंबाइन करके भी बना सकते हैं, मतलब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो आप उसमें एडवांटेजेस की हेडिंग्स लिख सकते हैं। और अगेन आपसे एडवांटेजेस पूछें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।